हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ, अगर आपने प्लान किया है कि आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क परचेज करने जा रहे हैं और आपको कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कितना स्टोरेज लेना चाहिए, कौन सा बढ़िया है, कौन सा टिकाऊ, कौन सा सस्ता आ रहा है, किसकी स्पीड जबरदस्त है और कौन सा आप विंडोज लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, कौन सा आप मैकबुक में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों पीसी दोनों तरह के पीसी में आप यूज कर पाए, तो कौन सा हार्ड डिस्क बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमने इस चीज़ पे बहुत ही काफ़ी रिसर्च की थी और जब परचेज करने से पहले हम काफ़ी कंफ्यूज थे कौन सा लेना चाहिए। इसीलिए देखो, हमने एक हार्ड डिस्क परचेज किया था जिसका जो ब्रांड है उसका नाम आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके और एंड तक अभी तक आप मेमोरी कार्ड यूज करते थे। जब हम पहले स्टार्टिंग के फ़ोन आते थे उसमें मेमोरी कार्ड लगता था, चिप लगती थी, वो जो चिप होती थी वो सैंडिस्क की ज़्यादातर हमने देखी थी। तो सैंडिस्क काफ़ी अच्छा ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, टिकाऊ ब्रांड है और इसके जो हार्ड डिस्क है वो सजेस्ट करेंगे अच्छे आते हैं, हमने काफ़ी यूज भी करे हैं। उसी हिसाब से हमने देखो एक हार्ड डिस्क किया था जिसका नाम है SSD, सैंडिस्क SSD और E30। E30 है और इसका जो स्पीड है वो इसका स्पीड है, तो चलिए चलते हैं इसको खोलते हैं। इसका जो स्पीड है वो 500 Mbps वैसे तो देते हैं, लेके मैं 800 लेके लिख के देते हैं, लेकिन हम जिस हिसाब से बोल रहे हैं और इसका जो अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसका बट ये है कि डब्बे पे हमारे हिसाब से तो दिख रहा है कि उन्होंने जो डब्बे पे ये देखो इसकी अनबॉक्सिंग अभी उन्होंने करी है, इस तरह का इसका पैक आपको मिलेगा। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, कॉम्पैक्ट है और ये काफ़ी मतलब ये जो हार्ड डिस्क है मजबूत होती है काफ़ी, ये मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगी, डैमेज होने के इसमें चांस कम है, काफ़ी मजबूत है। कहीं आप एक्सटर्नल वगैरह तो लेके जा रहे हैं, किसी की कोई इस पर बाइक भी चढ़ जा रही है या फिर कुछ हो जा रहा है, गिर जा रही है, कहीं पानी में गिर जा रही है, तो ये जल्दी डैमेज नहीं आती, ये इसकी सबसे खासियत है। मैंने इसकी वीडियो देखी थी, रिव्यूज़ वगैरह भी देखे थे, तो इसमें देखो इन्होंने पैक में लिख के दिया है 800 Mbps की बट, और ये जो इसका स्टोरेज साइज है वो हमने 2 TB परचेज किया है, क्योंकि 2 TB का बिल्कुल सही रहता है। अगर आप परचेज करेंगे 500 MB, 500 GB या फिर 1 TB परचेज करेंगे तो आपका जो वो है वो सस्ता नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने 2 TB परचेज किया था और बहुत ही सही पैसे में हमको 2 TB मिल गया था, इसीलिए हमने 2 TB लिया, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह यूज करते हैं यूट्यूब वगैरह की, वो सब चीज़ें हमको जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने हार्ड डिस्क का यूज़ किया। अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करने के लिए ले रहे हैं और आप पैसों का लालच कर रहे हैं, आपने कोई दूसरा ब्रांड ले लिया और वो डैमेज हो गया, आपका हार्ड डिस्क आपका डेटा लॉस हो गया, फिर आप रिकवर करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने एक बार अच्छे पैसे डाले। और ये इंडिया में हमने देखा था ये 14,000 यानी कि 14,000 की आ रही है ये 1 TB E30। और यहाँ पे जो हमको अगर पड़ी है, अगर हम बात करें तो 688 RM की हमको पड़ी है, काफ़ी हमने इसमें ऑफर्स वगैरह ला के और लगभग इंडिया के पैसे में बताएं तो हम 12,000 के आसपास हमको ये पड़ी है। और चलिए इसको ओपन करते हैं और ये काफ़ी अच्छी हमें मानी गई, हमने इससे पहले काफ़ी इस चीज़ पर रिसर्च करी थी और देखा था इसको हमने। वाओ, जो इसकी पैकिंग है वो देखो इस तरह से आएगी, इस तरह से ये आपको इसकी पैकिंग मिलेगी, ठीक है, और ये इस तरह का पैक होगा इसका। और अब देखिए चलिए चल चलते हैं इसको ओपन करते हैं, ये काफ़ी देखो छोटी है, कितना अच्छा बढ़िया कॉम्पैक्ट है, देखो मतलब जो हमने बात करी थी काफ़ी हमने देखी थी इसकी वीडियोस, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी मजबूत है, मतलब हिसाब से देखा था। और ये अगर पकड़ने पकड़ने की टांग, और ये देखो है इसको हम हार्ड जो ये लैपटॉप है इसमें हम देखो टेस्ट कर रहे हैं, इसमें देखो सी टाइप यूएसबी पोर्ट है हार्ड डिस्क में, और हमने यूएसबी से इधर सी है और इधर ए है, सी और एंड ए, ठीक है। ये देखो हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पे लग गई है, ये आ गया सो ओके पोर्टेबल SSD। तो चलिए चेक करते हैं कैसी आई है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे जाके अपने पीसी में, ये देखो यहाँ पे आ गई है। और जो इसका स्टोरेज है वो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.8 TB, ठीक ओके 1.8 आ रही पोर्टेबल SSD 1.881, ठीक है। अब देखो अब इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे, इसकी स्पीड टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो एक वीडियो है, इसको हम इसमें देखो ये हमारा 12 GB का वीडियो है, जो इसका स्टोरेज साइज है वो 12 GB का है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और हम अपने इस वाली हार्ड डिस्क में टेस्ट करेंगे। इसमें देखो ये इतने इतने सारे फोल्डर आते हैं, ठीक है, ये इसमें क्या है, अगर आपको कोई अगर आपको हार्ड डिस्क में अगर आपको कोई वो सिक्योरिटी एक्सेस यानी कि पासवर्ड वगैरह लगाना है, कोई आपको एक्सेस ना कर पाए, तो ये पूरा इसमें PDF है, यहाँ से आप पढ़ के स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे, इसमें इसमें पासवर्ड सेट हो जाता है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप पढ़ पढ़ के आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे फटाफट, जो हमने वीडियो कॉपी करी थी वो हम एक यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं या फिर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, कंट्रोल न्यू करके नया फोल्डर छोड़ रहे हैं, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ओके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो कितनी की स्पीड जो हैगी, देखो यहाँ पे अभी आई है इतनी की, ठीक है, देखो ए पहले एकदम कम से गई फिर एकदम उड़ गई, ठीक है, फोर फोर ऐसे करके करीब 500 के आसपास, 450 के आसपास, देखो ये स्पीड आ रही है इसकी, करंट ये स्पीड है, ये स्पीड भी अच्छी है, मतलब
मतलब अगर हम बात करें तो ये स्पीड कोई बेकार नहीं है, क्योंकि इतनी फास्ट फास्ट चल रहा है ये सही है। मतलब 500 अगर वो लिख के देते हैं और 450 तक तो आ रहा है तो सही स्पीड है। तो ये देखो हमको मिली थी, ठीक है। अब देखो इसके जो प्राइस था, देखो ये हमारा था प्राइस, इसका इसका जो प्राइस था वो ये था। मतलब अगर हम बात करें तो E30 की अगर बात करें तो हमारा प्राइस था 2 TB का E30 ये है, ठीक है, इतना था ये। 759 का था, हमने ऑफर लगा के हमने ले लिया था 688 में, है 688। और ये अगर हम इसको कन्वर्ट करें INR में तो ये 12,000 के आसपास बनेंगे जाके, और इंडिया में थे इसकी इसका प्राइस 14,000 के आसपास था अगर INR में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही। आशा करते हैं आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहीं किसी को कोई डाउट है कैसे क्या करना है तो वो बताएं हमको कमेंट बॉक्स में, हम उसकी सहायता करेंगे पूरी। बाय।